तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मैं मस्त हूँ। तो मैं हूँ गुड्डू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्यारा सा गुड्डू ब्लॉग्स। में फिर से आप लोग का स्वागत है इस ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं हूँ अपना डाइनिंग टेबल पे और अभी का टाइम 6 बज चुके हैं, 5:54 हो चुका है मेरा मोबाइल पे। तो सॉरी गाइस, मैं दिन का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी मैं शूट सोच रहा हूँ करने के लिए, मतलब कर रहा हूँ। तो इस एक खुशखबरी है पूना सिटी के लिए, जो आप लोग को पता नहीं होगा कि नहीं पता, वो इस वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा। तो वीडियो चालू करते हैं और एंड तक बने रहिएगा। और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे डिटेल में वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप लोग को जल्दी अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूना में इतना दिन से मेट्रो का काम चल रहा था, तो फाइनली पूना में 6 मार्च को पूना में मेट्रो ट्रेन चालू हो गया है। तो ये खुशखबरी आप लोग को देना था और अलग ही एक खुशी लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहा था कि मेट्रो चालू होगा पूना में तो हम लोग भी घूमेंगे, तो उसका भी ब्लॉग कभी ना कभी आ जाएगा। तो फाइनली पूना में मेट्रो चालू हो गया है। तो किधर किधर हुआ है उतना तो अभी नहीं पता है, बट जिधर भी हुआ है हो गया है। आप लोग को शायद अगर वीडियो मुझे को मिला तो इसमें मैं डाल दूँगा, तो आप लोग देखिएगा। तो ये आप लोग को बताना था। तो फिलहाल मैं हूँ अपना हॉल में, देख सकते हैं, और अभी शाम हो चुका है और गांव तरफ तो अंधेरा हो गया था, अभी कॉल किया था, इधर उजाला है। अभी 7 बजे तक इधर शाम हो जाते हैं। तो अभी मैं नहा धो के मस्त, देख सकते हैं, फ्रेश हो गए हैं, लाइट भी जला दिए हैं और सर लोग अभी तक सोए हुए हैं, पता नहीं कब उठेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं भगवान जी के पास मैं अगरबत्ती भी जलाया था, ख़त्म हो गया जल के। और इधर विंडो अभी मतलब पर्दा भी खुला है, इधर भी लाइट जला देते हैं। तो देख सकते हैं लाइट जल गया, एक लाइट इधर बंद कर देते हैं, ज़्यादा नहीं जलाना है। सो ये लाइट बंद कर दिए हैं और चलते हैं किचन में, किचन का लाइट चालू कर, किचन का लाइट चालू कर दिए हैं। सो अभी वीडियो का क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग कल हम और सर गए थे मॉल, जो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँगा बट नहीं बना पाए, क्योंकि काफ़ी मॉल का वीडियो मेरा इस चैनल पर होगा इसलिए नहीं बनाया। तो हम लोग कल 12,000 का शॉपिंग किए थे, सिर्फ खाने का सामान, देख सकते हैं ऊपर अंडा है फ्रिज का और बाकी सामान यहाँ पे देख सकते हैं, बर्गर रेडीमेड है यहाँ पे, ये देख सकते हैं लच्छा पराठा है जो रेडीमेड को सेंक के पकाया जाता है, रुआफ़ज़ा है, शरबत है, सारा हर चीज़, जूस वगैरह सारा चीज़ लेके आए हैं और फ्रिज में इतना चीज़ रखे हैं। अभी और चीज़ मुझे रखा का बिल हुआ था और इधर देख सकते हैं पूरा सामान रख दिए हैं स्टॉक में, ताकि मुझे अभी 20 दिन लगभग नहीं देखना पड़ेगा, 10 से 15 दिन नहीं देखना पड़ेगा। और आप लोगों को शायद बिल भी दिखाते हैं, बिल इधर मिल जाएंगे, तो बिल अभी मिल नहीं रहा है, तो बिल जैसे मिलेगा आप लोग को दिखाएंगे। सो इधर देखते हैं, और इधर भी सामान रख दिए हैं, देख सकते हैं थोड़ा बहुत इधर भी सामान है। सो अभी का ऐसा कुछ नज़ारा है और इधर 2-3 बोतल खाली भी है, मैं चालू कर देता हूँ। और उधर से बटन ऑन है, ये रहा पावर ऑन हो गया। और आप लोग को गार्डन का वीडियो दिखाते हैं, देखते रहिएगा अंत तक। तो बैक कैमरा से आप लोग को दिखा दिया, देख सकते हैं अभी कोई भी यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बच्चा जो साइकिल चला रही है बच्ची, और ये रहा हम लोग का अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सामने ओ ब्लॉक है, हम लोग एल ब्लॉक में रहते हैं सर। तो मशीन का आवाज़ आ चुका है और इधर देख सकते हैं कपड़े उसमें धुले हुए हैं, अभी मुझे सुखाना बाहर में, मशीन चालू हो गया, अभी इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ये तो पानी गिरने लगेगा। और इतना कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करके रखना है, और इतना मैं रख दिया हूँ। ये क्या है, ये पता नहीं, बॉडी फिटनेस का तो कुछ सर लोग जाते हैं ना जिम वगैरह। और एक और खुशखबरी आप लोग को देना है, मेरा क्लास फ्रेंड, जिगरी फ्रेंड था महंत, तो पता नहीं आप लोग ने कभी वीडियो में मैं उसको नहीं डाला हूँ, लेकिन पता नहीं जिगरी भी नहीं किया हूँ, सॉरी गाइस। तो मेरा जिगरी दोस्त था, हम लोग साथ ही कॉलेज में, सॉरी स्कूल में पढ़े हुए, कॉलेज तो नहीं, 8वीं तक तो पढ़े हो, तो 12th तक पढ़ा है, तो वो कॉलेज जाते थे, तो हम तो छोड़ दिए थे क्योंकि घर का जिम्मेदारी आ चुका था घर सर पे, तो मुझे कमाने निकलना पड़ा। सो फाइनली अभी वो पढ़ाई लिखाई करके अपना छोटा सा एक शॉप खोला है, जो आप लोग को फ़ोटो में डाल दूँगा,
आप लोग देखिएगा। तो है गाइस, देख सकते हैं ये है मेरा फ्रेंड का शॉप जो न्यू खोला है इसने। तो उनको हम बोले थे एक वीडियो बना के भेजो जो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो ये देख सकते हैं न्यू एकदम सेटअप, सब चीज़ें खरीदे हुए हैं, अभी फ्रीज भी रख लिए हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा चीज़ रखे हुए हैं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं सोचा फ़ोटो डाल देता हूँ बट नहीं, फ़ोटो नहीं वीडियो ही डाल दिया गाइस। तो ये देखिए, ये है मेरा महंत का दोस्त का शॉप न्यू वाला, काफ़ी अच्छा बनाया है, ये देख सकते हैं पूरा कोल्ड ड्रिंक से भर दिया है और इन्वर्टर वगैरह सारा, कंप्यूटर वगैरह सारा सेटअप ले लिया इसने। तो अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। ये देख रहे हैं अमन स्टूडियो, सारा चीज़ें बनाता है, कार्ड वगैरह ऑनलाइन, आधार कार्ड निकालना है, कुछ भी करना है, हर चीज़ हो सकता है। सकते हैं पूरा कोल्ड ड्रिंक भर दिया है, अच्छी बात है। और इधर कुछ मोबाइल का कवर वगैरह रखे हुए हैं, तो मुझे तो काफ़ी खुशी हो रहा है। तो आप लोग देखिए अंत तक और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरा भाई महंत के लिए कुछ बोलना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं ये भी न्यू इन्वर्टर लिए हैं, सब चीज़ न्यू न्यू लिए हैं, काफ़ी लोग का 1.5 से 2 लाख रुपए सेटअप में लग गया है इनको। पीसीओ कंप्यूटर कीबोर्ड सारा चीज़ें देख सकते हैं, फ़ोटो कॉपी या कुछ भी करना है। सो बंदे ने मेहनत करके दुकान अभी खोला है, छोटा सा मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान। सो कोशिश करूँगा मैं इसमें फ़ोटो या वीडियो में दे दूँगा। सो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मेरा दोस्त थोड़ा सक्सेसफुल, थोड़ा मतलब दुकान खोल लिया, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत दिन से वो भी बोल रहा था कि मुझे दुकान खोलना है, दुकान खोलना है, और मैं भी बोल रहा था लेकिन मैं अभी तक खोल नहीं पाया हूँ। पता नहीं कब तक पुणे में रहना पड़ेगा, घर का सिचुएशन थोड़ा ख़राब है। तो ठीक, जैसे हो जाते हैं मैं भी दुकान खोलूँगा। तो काफ़ी खुशी लग रहा है क्योंकि मेरा दोस्त ने दुकान खोल लिया है, तो यही आप लोग को बताना था। और पुणे में मेट्रो भी चालू हो गया, तो वो भी ब्लॉग आप लोग को जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे मेरे को यहाँ छुट्टी मिलता है मैं जाऊँगा पुणे मेट्रो आप लोग को इस ब्लॉग बनाने के लिए। तो हेलो फ्रेंड, ये देख सकते हैं पुणे रेलवे स्टेशन का ये रूट रहा, दो रूट तो है। मैं इस वीडियो में अपना दोस्त का शॉप भी डाल दिया, तो आप लोग देखिए और इन्जॉय किए। और मेट्रो का रूट भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखिए और पुणे सिटी का भी घूमने आइए और इन्जॉय कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं वीडियो डालते रहता हूँ इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल मैं अपनी हॉल में बैठा हूँ सोफे पे और अभी जा रहा हूँ मैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि 6:30 बज गए हैं और सर लोग भी उठने वाले हैं। चाय बनाते हैं, कुछ स्नैक्स भी बनाना है ब्रेकफास्ट, तो चलते हैं फटाफट चाय पीते हैं, अगर आप लोगों को भी पीना तो आ सकते हैं। सो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।